दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज एक फिर से नए वीडियो लेकर आए हैं। तो दोस्तों आज हम जो सरदार का जिंक जो 21% है, जिंक सल्फेट है, उसके बारे में बात करेंगे और बताएंगे कौन कौन से क्रॉप के अंदर यूज़ कर सकते हैं और उसके डोजेस क्या है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देख सकते हैं कि ये जो है सरदार कंपनी का है और जिंक 21%, जिसके अंदर सल्फर 10% आता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो देख सकते हैं इसका पूरा जो है सरदार का ब्रांड दिया गया है और ये जो मार्केटेड भाई गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं पीछे, यहाँ पर पूरा इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। यहाँ पर जिंक सल्फेट के नाम से है और जिंक जिसके अंदर 21% है और सल्फर 10% है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि सरदार जिंक सल्फेट के फ़ायदे, ठीक है, इसका क्या क्या जो बेनिफिट है वो यहाँ पर दे रखा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है पौधे के विकास में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फूल और फल के पैदावार के साथ साथ उच्च गुणवत्ता कृषि उत्पाद में बढ़ाने में सहायक है और यहाँ पर तीसरा दे रखा है कि फसल की पैदावार को बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है इसका जो है कौन कौन से क्रॉप के अंदर कितना यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है धन्य वर्गीय पाक, ठीक है, जिसके अंदर 5 से 8 किलो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आलू, गेहूं, गन्ना, कपास, सोयाबीन, मक्का, ज्वार, चना, मटर, दलहन, सरसों, उन सब के अंदर 5 से 6 किलो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर दे रखा है कि ये जो है टमाटर है, लहसुन है, प्याज है, ठीक है, मूली है, जो सब्जी वाले हैं उसके अंदर 3 से 4 किलो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर जो है केला, आम, अंगूर, अमरूद, नींबू, संतरा जैसे जो फ्रूट के क्रॉप है उसके अंदर 6 किलो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, कोको, ठीक है, उन सब के अंदर 5 से 6 किलो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका इस्तेमाल कब करना है तो यहाँ पर दे रखा है कि इस्तेमाल करने का बुआई अथवा रोपाई के वक्त पोटाश आदि में मिलाकर छिड़के। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर थोड़ी सी सूखी मिट्टी या रेत में मिलाकर खेत में भली भांति बिखेरे। ठीक है दोस्तों, और ये जो है खड़ी फसल में रोगों के लक्षण दिखने पर कीटनाशकों में मिलाकर छिड़काव करें। तो इसका यहाँ पर उपयोग दे रखा है। ठीक है, इसको हम जो रेत के साथ भी मिक्स कर यूज कर सकते हैं या पोटाश के साथ भी इसका मिक्स कर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर नेट वेट 5 किलो का ये दे रखा है। ठीक है दोस्तों, और ये जो है सरदार कंपनी का है। ठीक है दोस्तों, और इसके जो प्राइस की बात की जाए तो यहाँ पर जो प्राइस है 550 रुपये दे रखा है और ये जो आपको है जिंक 21% है, इसी तरह जिंक 33% भी आता है और आपको अगर लेना चाहते हो तो ये जो है जिंक 21% जो है और जो है सरदार के डेपो होते हैं वहाँ पर आपको मिल सकता है और या दूसरे जो एग्रो सेंटर होते हैं वहाँ पर भी ये उपलब्ध हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये था कुछ जानकारी जिंक 21% के बारे में। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताएँ और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नए वीडियो बनाए वो आप लोगों को आसानी से मिल सके। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।